डिजिस्किल डीएसटीपी 2.0 बैच 07 की इनरोलमेंट क्यों नहीं की गई, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। वजह क्या है जिस वजह से जो है वो इनरोलमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट आउट नहीं किया गया और आपकी इनरोलमेंट अब कब होगी डीएसटीपी 2.07 के अंदर, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 फरवरी मंडे के दिन 11 बजे हमारे पास यहाँ पर डीएसटीपी 2.0 बैच 07 की इनरोलमेंट को कंसीडर आउट होना चाहिए था, यानी कि आप फ्रीलांसिंग के अलावा अपनी मर्जी का कोई भी और कोर्स यहाँ पर चूज आउट कर सकते थे इस इनरोलमेंट के प्रोसेस के अंदर। लेकिन 5 फरवरी के दिन जो है वो आपके पास यहाँ पर इनरोलमेंट का प्रोसेस हुआ ही नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके चैटबॉट से, तो ये भी हमें एक सैंपल से जवाब दे रहे हैं जिसमें ये बैच 6 की इनरोलमेंट के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ इन टच रहिए बाकी के इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर बैच 7 की इनरोलमेंट के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ पर करंट डेट बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि इनरोलमेंट क्यों नहीं यहाँ पर कंसीडर आउट की गई। आप देख सकते तो कि 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ओवरऑल इस इनरोलमेंट का पार्ट होते हैं हर साल, तो बेसिकली 5 फरवरी के दिन जो है ये इनरोलमेंट इसलिए नहीं की गई क्योंकि आपको पता है 1 से 2 दिन इनरोलमेंट रहती है एंड इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान में इलेक्शन से 2 दिन पहले एंड 2 दिन बाद जो है हमारे पास नेट सर्विस क्लोज रहेगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डीएसटीपी 2.0 बैच 07 की इनरोलमेंट इस बार अनाउंस आउट नहीं की गई है। लेकिन अब सवाल ये पेश आता है कि डीएसटीपी 2.0 बैच 07 की इनरोलमेंट फिर कब होगी, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ यहाँ पर कि इंशाल्लाह आपके पास ये इनरोलमेंट जो है हमारे पास मंडे 12 को जो है फरवरी को यहाँ पर कंसीडर आउट की जाएगी। 12 फरवरी मंडे के दिन सुबह 11 बजे आपकी इनरोलमेंट कंसीडर आउट की जाएगी जिसमें आप अपने 2 कोर्सेज को सेलेक्ट करोगे एंड सेलेक्ट करने के बाद इंशाल्लाह मार्च से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करोगे। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रजिस्ट्रेशन वर्सेज इनरोलमेंट के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन की सेपरेटली वीडियो मैंने बनाकर रखी है, आपको जो है इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर एक्टिवेशन लिंक में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ अगर आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं आपको नहीं पता कि डिजिस्किल में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट यहाँ पर मौजूद है मेरे पास वीडियो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो के आखिर में इनरोलमेंट ऑफ डीएसटीपी 2.0 बैच 06 की वीडियो को प्रोवाइड आउट कर रही हूं जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर आप बैच 5 से बैच 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो किस तरीके से लेंगे और अगर आपने ऑलरेडी जो है वो पहले कोर्सेस किए तो आपने नए कोर्सेज पे किस तरीके से एडमिशन लेने वो भी मैंने इस इनरोलमेंट वीडियो के अंदर बताकर रखा है। तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के आखिर में भी। अगर आपको इनरोलमेंट करना नहीं आती तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास 12 फरवरी पीर के दिन आपकी इनरोलमेंट शुरू होगी तो मैं आपको कंप्लीट लाइव इनरोलमेंट भी अपने चैनल के ऊपर कर दिखा दूंगी। अगर किसी ने सर्टिफिकेशन नहीं देखा तो वो सर्टिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। जिन लोगों की सर्टिफिकेशन बाकी है अभी डीएसटीपी 2.0 बैच 06 के, उनके लिए बता दूं कि इंशाल्लाह 13 फरवरी के बाद जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अनाउंस आउट कर दिए जाएंगे आपके सर्टिफिकेशन, तो आप जो है वो अपने सर्टिफिकेशंस को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप डीएसटीपी 2.0 बैच 07 में कोर्स करने वाले हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं हर साल डीएसटीपी 2.0 के हर एक बैच के अंदर ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड आउट करती हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखा हो। तो ये छोटी सी अपडेट थी रिगार्डिंग डिजिस्किल के, डिजिस्किल में जो आपकी इनरोलमेंट है वो मंडे 12 फरवरी के दिन कंडक्ट आउट की जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन कॉल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।